वाराणसी की ज्यादातर जनता वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर जागरूक नहीं है। वाराणसी में प्रदूषण को रोकने के लिए जनता जागरूक नहीं है। एक तरफ यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों का पुलिस चालान करती है, तो वहीं पिपलानी कटरा पेट्रोल पंप पर प्रदूषण केंद्र के संचालक ने बताया कि 50% जनता ही जागरूक है, बाकी की 50% जनता प्रदूषण को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं है, जिसके चलते अनेकों प्रकार की समस्याएं और बीमारियों से लोगों को ग्रसित होना पड़ता है। ये गाड़ियों का यहाँ पोल्यूशन बनता है और यहाँ रोजाना 10 से 12 गाड़ियों का पोल्यूशन टेस्ट होता है, मोटरसाइकिल पेट्रोल का भी और डीजल का भी। डीजल में मशीन के द्वारा जांच की जाती है। तो कितना चार्जेस लिया जाता है? चार्जेस पेट्रोल मोटरसाइकिल का इसका 50 रुपया है, पेट्रोल कार और ऑटो का 70 रुपया है। लगता है कि काशी की जनता है प्रदूषण इतना फैला हुआ है और प्रदूषण केंद्र जो आप खोल के बैठे हैं, तो जनता कितना जागरूक थे आप बता सकते हैं? जनता जागरूक तो है ही है और इस समय थोड़ा सा लोग जांच भी कम करा रहे हैं और पहले की अपेक्षा अब लोग टेस्टिंग कम करा रहे हैं। क्यों? चेकिंग वेकिंग बंद हो गया होगा, उसके वजह से हो सकता है। लगातार बनारस में देखने को मिल रहा है यातायात तो चौकन्नी है, चेकिंग कर रही है। तो पहले क्या होता था कि पेपर मांग के चेक किया जाता रहा, अब क्या कि ऑनलाइन ऊपर से ही चालान दूर से ही हो जाता है। अब उसमें पेपर लोग चेक करेगी, इसमें क्या क्या पेपर, इंश्योरेंस खत्म है कि पोल्यूशन खत्म है, तब तो पता चलेगी क्या खत्म है। उस पर सिर्फ हेलमेट पे इसमें चालान हो रहा है। जी आपने कहा कि चेकिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ रही जनता, किस वजह, किस तरीके की चेकिंग आप चाह रहे हैं, तो कहना चाहते हैं? चेकिंग के तरीके से मतलब जनता को जागरूक होना चाहिए और खुद अपना पोल्यूशन टेस्ट समय पर करा लेना चाहिए। देखिए मैं हर महीने अपना पोल्यूशन चेक करवाता हूँ, क्योंकि आज के डेट में कोरोना जैसी बीमारियां और सांस लेने में जो तकलीफ वाली बीमारियां हैं, इन सब का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे बाइक से के ईंधन के जलने की वजह से निकलता है, तो इसके लिए मैं एक अपील भी करना चाहता हूं कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन गो ग्रीन का नारा अपनाए और उसके तहत वो बिना किसी व्हीकल के चले, पैदल चले या ई रिक्शा या फिर आजकल को तो इलेक्ट्रिकल वाहन आ रहे हैं, उनका प्रयोग करें। बाकी पॉल्यूशन का समय समय पर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि इसी प्रकृति से आप जिंदा हैं, श्वास लेते हैं और ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। तो आपको पॉल्यूशन चेक कराना समय समय पे उतना ही जरूरी है जितना कि आपको खाना खाना है। विकास जी आपकी बात से सहमत है, मगर क्या लगता है कि काशी की जनता कितना जागरूक है? जो आप जागरूक है तो काशी की जनता कितना जागरूक आपको लगती है कि जागरूक है कि पॉल्यूशन को लेकर, जिस तरीके से आपने कहा कोरोना महामारी को देखते हुए आप तो आगे है, तो जनता को, काशी की जनता को किस तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए कहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? सर देखिए मैं काशी में ही पला बढ़ा और यहीं पर जन्म लिया हूँ। काशी में काशी के लोगों का एक यूनिक पहचान है बनारसीपना। वो बनारसीपना अब कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की ज़रूरत आ गई है। आप अपने रहन सहन में बनारसीपना रखिए, लेकिन लोग कहते हैं अरे कुछ हो ना हुई, आपको एग्जैक्टली बनारसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अरे हमरे धुआं देले से का हो जाते। मैं कभी कभी आपको भाई साहब बता रहा हूँ, मैं भक्त आदमी हूँ, महादेव का झूठी कसम खा के तो बोलूँगा नहीं, मैं लोगों को रोक के बोलता हूँ कि भैया इतना धुआं दे थे गाड़ी बनवाला, काहे प्रकृति में प्रदूषण फैलावट हुआ। तो यहाँ की 99% पॉपुलेशन अनअवेयर है, कहती है क्या हो जाएगा मेरे एक के बनवा लेने से। तो यहाँ अवेयरनेस की कमी है। ये जो सो कॉल्ड बनारसीपना है, इसको आप अपने लाइफस्टाइल में रखिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जैसे कोरोना के समय में भी लोगों ने कहा मास्क नहीं लगाएंगे हमें कुछ ना हुई, वैक्सीनेशन के समय अरे वैक्सीन लगवाइले से कोरोना भाग जाए, तो ये विचारधारा छोड़नी पड़ेगी।